हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माइलस्टोन व्लॉग्स। मैं आपका दोस्त हरप्रीत आपके लिए आज एक और ट्रेन जर्नी लेके आया हूँ। लेकिन दोस्तों, आज की हमारी जो ट्रेन जर्नी है ये मेट्रो रेलवे में होने वाली है। फिलहाल मैं हूँ इस समय इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन पे, और दोस्तों ये बाहर का नज़ारा है। एक्सकेवेटर और सादी सीढ़ियाँ दोनों एक साथ में हैं। तो फिलहाल एक्सकेवेटर से ऊपर चढ़ के अब हम रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक नया कंटेंट है इस चैनल पे, पहली बार अपलोड हो रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे खास करके रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हमेशा लाता रहता हूँ। और कोशिश करिएगा कि दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, खास करके उन लोगों के साथ जिन्होंने अभी तक मेट्रो रेलवे में जर्नी नहीं की है। तो दोस्तों, फिलहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं, ऊपर जाके रेलवे स्टेशन पर आपसे बात करते हैं और वहाँ नज़ारा आपको दिखाते हैं। दोस्तों, लखनऊ मेट्रो का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में करवाया था। दोस्तों, लखनऊ वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात थी जिसका एक्सपीरियंस हम आपके साथ आज करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की डिजिटल जर्नी इंदिरा नगर से लेकर सिंगार नगर तक आपके साथ करते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंदिरा नगर से लेकर सिंगार नगर का मेट्रो का किराया 50 रुपये पड़ता है। दोस्तों, मेट्रो रेलवे के जो रूल्स होते हैं वो आम रेलवे से काफ़ी अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक किया जाता है उसकी वीडियो शूट करने की वो लोग इजाज़त नहीं देते हैं। ये फ़िलहाल मैंने जब स्टेशन में एंट्री ली है उस समय का वीडियो है। और ये एक्सकेवेटर से अब हम सिक्योरिटी चेक के बाद में जा रहे हैं रेलवे प्लेटफार्म की तरफ, तो मैं वहाँ का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। अब हम सीधे मिलते हैं प्लेटफार्म पर और ट्रेन का अराइवल भी आपको दिखाते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेट्रो में सफ़र नहीं किया, मैं उन्हें ज़रूर से सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार लखनऊ आएँ और मेट्रो में सफ़र ज़रूर करें। दोस्तों, ये रहा आपके सामने इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन का एरिना। दोस्तों, काफ़ी साफ़ सुथरा होता है मेट्रो रेलवे स्टेशन, और दोस्तों फ़िलहाल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ये लखनऊ मेट्रो का। मैंने हालांकि काफ़ी बार ट्रैवल किया है लखनऊ मेट्रो में, लेकिन अभी तक मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। और मुझे रात में फ़िलहाल इंदिरा नगर से लेकर सिंगार नगर तक ट्रैवल करने का मौका मिला, तो मैंने सोचा आपके लिए एक डिजिटल जर्नी रिकॉर्ड करते हैं। और दोस्तों, फ़िलहाल हमारी मेट्रो अब आने वाली है और ये एक बार ओवरलुक आपको दिखा देता हूँ इस मेट्रो स्टेशन का। दोस्तों, बिल्कुल एयरपोर्ट की तरफ ही लगता है ये मेट्रो स्टेशन भी। और दोस्तों, फिलहाल चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और वीडियो दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। फिलहाल आगे सामने दोस्तों आपको मेट्रो आती हुई दिखाई दे रही होगी मेट्रो स्टेशन पे, और अब हमारा सफ़र भी शुरू होने वाला है। और दोस्तों, मुझे वीडियो शूट करते हुए देख के इन जनाब ने मुझे सीटी बजाकर वार्न किया, हालांकि मेरा ध्यान मेट्रो की तरफ था, मैंने इनकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब मुझे ये नहीं पता इन्होंने मुझे रोका क्यों था, वीडियो शूट करने की वजह से या फिर किसी और वजह से। तो फिलहाल दोस्तों, मेट्रो हमारी प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है और अब हम मेट्रो बोर्ड करके सीधे आपको ऑन बोर्ड मिलते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। फाइनली दोस्तों, मेट्रो बोर्ड करने के बाद अब मैं अंदर आ चुका हूं और हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। भूतनाथ मार्केट, दोस्तों मेट्रो रेलवे में मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी कि मेट्रो रेलवे के सारे रेलवे स्टेशन देखने में लगभग एक जैसे लगते हैं, तो अपने आप में ये भी एक बहुत उम्दा अनुभव है। और भूतनाथ मार्केट से हमारा डिपार्चर भी हो गया है। दोस्तों, मेट्रो रेलवे में हर डोर के ऊपर इस तरह से रूट मैप दिया होता है कि आगे कौन सा स्टेशन आने वाला है और मेट्रो कहां से लेकर कहां तक जाती है।
दोस्तों, इस यात्रा के दौरान मैंने ज़्यादा वॉइस रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की क्योंकि मेट्रो में ऑटोमेटिक वॉइस नोटिफिकेशन सिस्टम होता है, जिसकी वजह से हर आने वाले स्टेशन के बारे में मेट्रो पहले से ही लोगों को अलर्ट कर देती है। तो अपने आप में ये भी एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है इंडियन रेलवे के हिस्ट्री में।
सचिवालय। Station is Husainganj. Agla station, Husainganj. Husainganj. Doors will open on the left. दरवाजे बाएं तरफ खुलेंगे. Station is Alambar bus stand. Agla station, Alambar bus stand. Thank you.
next station is Anandbaugh. Agra station, Anandbaugh. दोस्तों, लखनऊ मेट्रो में ट्रैवल करने का एक फ़ायदा यह भी हुआ कि मुझे ज़्यादा वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मेट्रो में पहले से ही ऑटोमेटिक वॉइस नोटिफिकेशन सिस्टम इंस्टॉल होता है, जिसकी वजह से जो भी स्टेशन आने वाला होता है उसके बारे में जानकारी मेट्रो पहले ही दे देती है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्तों, ये मेट्रो रेलवे का रूट मैप है, जिन स्टेशनों से होकर मेट्रो जाती है, ये उसका एक क्विक व्यू आपके लिए। फिलहाल दोस्तों, सिंगार नगर तक की जो हमारी जर्नी थी उसे हमने कंप्लीट कर लिया है और अब मेट्रो आगे जा रही है। तो दोस्तों, आप भी अगर यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो दोस्तों कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, तो इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर से फॉलो। फाइनली गाइस, हमने अपनी जर्नी सिंगार नगर तक कंप्लीट कर ली है और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। फिलहाल दोस्तों, मेट्रो रेलवे के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों और इस वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों।